नए साल पर गरीब परी की जादुई ड्रेस पूरे परीलोक में नए साल की तैयारियां चल रही थी। वहीं एक छोटे से गांव में प्रिया नाम की परी अपनी दादी के साथ रहती थी। सभी परियों को नए साल की शॉपिंग करते देख उसका भी मन हुआ कि वह एक नई ड्रेस ले, पर उसके पास तो खाने के भी पैसे नहीं थे, तो वह ड्रेस कहाँ से लेती। दादी, वो पिछले महीने में आपके पास कुछ रुपए थे तो प्लीज मुझे दे दीजिए, मुझे ड्रेस लेनी है। बेटा, वो तो मैंने पहले उनसे दवाई ले ली थी जिसमें वो सारे पैसे खर्च हो गए थे। क्या इसका मतलब मैं इस साल भी ड्रेस नहीं ले पाऊंगी? क्यों ना मैं तुझे किसी से उधार लेकर पैसे दे दूं? नहीं दादी, हमने पहले से ही इतना उधार ले रखा है और ऊपर से और शायद मैं इस साल ड्रेस नहीं ले पाऊंगी, अगले साल देखते हैं। इसी तरह से एक दिन, अरे प्रिया परी, तुम यहाँ नए साल की तैयारियाँ कैसी चल रही हैं? हाँ ठीक ही चल रही हैं। और तुमने ड्रेस ली है ना, मुझे दिखाई भी नहीं। नहीं नहीं, मैं इस साल ड्रेस नहीं ले पाऊंगी क्योंकि मेरे पास पैसे ही नहीं है। अच्छा, मैं तो भूल ही गई थी, तुम तो इतनी गरीब हो कि मुश्किल से खाना ही खा पाती हो, तो कपड़े कहाँ से लोगी? अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मुझे माँ के साथ शॉपिंग करने के लिए जाना है। एक दिन उसकी दादी काफी बीमार हो जाती है। दादी के लिए दवाई लानी होगी, नहीं तो वो और भी बीमार पड़ सकती है। नए साल के खाने के लिए जितने भी पैसे रखे ना, मैं उनसे ही दवाई ले आती हूँ। और फिर हम लोगों के लिए क्या नया साल। फिर कुछ दिनों में उसकी दादी बिल्कुल ठीक हो जाती है। नए साल के दिन सभी परियां खुशी से नया साल मना रही थी और प्रिया परी उदास होकर बैठी हुई थी। पिताजी, अगर आप होते तो काम करके पैसे लाते जिनसे मैं ड्रेस भी ले पाती। आप दोनों मुझे छोड़कर क्यों चले गए, प्लीज वापिस आ जाइए। बेटी, माँ अब यहाँ आप वापिस आ गई, अब तो आप मुझे छोड़कर नहीं जाएंगी ना। तुम चिंता मत करो, ये साल तुम्हारे लिए बहुत ही खास होगा। वो तो है, क्योंकि आप वापिस जो आ गई हैं। नहीं, बल्कि मैं तुम्हें कुछ और देना चाहती हूँ। वो क्या? ये लो, ये एक जादुई ड्रेस है जो तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करेगी। इससे तुम अपने लिए खाना, मिठाई, ड्रेस जो चाहो वो मांग सकती हो। इतना कहकर उसकी माँ वहाँ से गायब हो जाती है। माँ, आप कहाँ चली गई? ये सच में ये जादुई ड्रेस है, इससे कुछ मांग कर देखती हूँ। जादुई ड्रेस? मुझे एक बहुत ही अच्छी और महंगी ड्रेस चाहिए। उसके इतना बोलते ही वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर ड्रेस आ जाती है, जिसके साथ ही वह अपने लिए एक नए साल के लिए केक भी मंगाती है और खुशी से नया साल मनाती है। वह उस जादुई ड्रेस से ढेर सारे पैसे मांगती है, जिससे वह अपनी दादी का इलाज एक बहुत ही बड़े हॉस्पिटल में कराती है। उसकी दादी भी बिल्कुल ठीक हो जाती है। फिर वह दोनों खुशी से रहने लगती हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। परी की शादी का जादुई बेड। हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है परी की शादी के जादुई बेड की कहानी। तो चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। सितारा परी बहुत ही अच्छी परी थी और वह हमेशा सबकी मदद किया करती थी और अपनी माँ के साथ रहती थी। उसकी एक कपड़ों की दुकान थी जिससे वे दोनों अपने घर का खर्चा चलाती थी। फिर कुछ समय के बाद सितारा परी की शादी भी तय हो जाती है। धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन दोनों अपनी दुकान में थी, तब भी उस दुकान में आग लग जाती है। सितारा परी की माँ तो किसी तरह बाहर आ जाती हैं, पर सितारा परी अंदर ही रह जाती है। माँ मुझे बचाओ, आग तेजी से फैल रही है, कुछ कीजिए माँ। फिर काफी कोशिशों के बाद सितारा परी को आग से बाहर निकाल लिया जाता है। सितारा परी तो किसी तरह बच जाती है, पर पूरी दुकान उस आग में जल जाती है। दोनों बहुत ही दुखी होती हैं, क्योंकि दोनों के पास कमाने का कोई साधन नहीं बचता है। जब यह बात लड़के वालों को पता चलती है तो वह शादी करने से इनकार कर देते हैं। इस बात से दोनों बहुत ही दुखी हो जाती हैं।
माँ अब पैसे कहाँ से आएंगे? मैं भी उसी बारे में सोच रही हूँ। तू चिंता मत कर, कुछ ना कुछ हो जाएगा। मैं अभी काम ढूंढने के लिए जा रही हूँ, शायद मुझे काम मिल जाए। मैं भी चलूँगी आपके साथ। नहीं, तू यहीं रह, मैं शाम तक वापिस आ जाऊँगी। और अपना ख्याल रखना और चिंता मत करना, सब ठीक हो जाएगा। फिर उसकी माँ को भी काम मिल जाता है। उससे धीरे धीरे उनके घर का खर्चा चल रहा था। फिर एक दिन, माँ मेरा बेड टूट गया है, क्या आप मुझे नया बेड ला कर देंगी? बेटी, कल मेरी महीने की तनख्वाह मिलने वाली है, मैं उसी में से तुम्हें नया बेड ला कर दूंगी। फिर दूसरे दिन सितारा परी की माँ उसके लिए नया बेड ला देती हैं। माँ ये बेड देखने में कितना अच्छा है, फिर तो काफी महंगा भी होगा। नहीं बेटी, ये 1000 रुपए का है, मार्केट में एक आदमी बेच रहा था, पता नहीं उसने इतने सस्ते में कैसे दे दिया, नहीं तो मैं इसे कभी नहीं ले पाती। अब मैं जा रही हूँ, तू अपना काम कर। उसकी माँ वहाँ से चली जाती है। वह उस बेड पर बैठ जाती है, तभी वह बेड बोलने लगता है, मेरे ऊपर से उठो, मुझे दर्द हो रहा है। क्या बेड कैसे बोल सकता है, कहीं तुम जादुई बेड तो नहीं? हाँ, मैं जादुई बेड हूँ। मैंने टीवी में देखा है कि जादुई चीजें लोगों की मदद करती हैं। क्या तुम भी मेरी मदद करोगे? हाँ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, क्योंकि मैं जिसके पास भी जाता हूँ उसकी मदद करता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारी भी मदद करूँगा। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? मुझे ढेर सारे पैसे चाहिए, ताकि हम वापस से अपना काम शुरू कर सके। वह जादुई बेड अपनी जादुई शक्ति से सितारा परी को बहुत सारा सोना देता है। ये लो, और कभी भी अपने पैसों पर घमंड मत करना, नहीं तो इसका परिणाम बहुत ही बुरा हो सकता है। मैं आपकी बातों का ध्यान रखूंगी। सितारा परी बहुत ही खुश हो जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल फेरी टेल सास बहू को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।